हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी। मीडियम रॉबिन से हम लंग पैथोलॉजी कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स, या इसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं इन्फिल्ट्रेटिव लंग डिसऑर्डर्स। दो तरह के लंग डिजीजेज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि एक जो हमने ऑलरेडी सीरीज कंप्लीट कर ली है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज की, जिसमें हमने एस्थमा और सीओपीडी एंड ब्रोंकियोएक्टेसिस, जब मैं सीओपीडी कहता हूँ तो बेसिकली मीन्स एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स की सीरीज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी एंड नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज। एंड आई हैव ऑल्सो, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ऑलरेडी डेल्ट विद के ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स का डिफरेंस क्या है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। तो ये हमें काफ़ी अरसे से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और आज बात यहाँ पहुँची है कि वी आर इन दिस वीडियो गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन टू रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, नाउ क्रॉनिक इंटरस्टिशियल डिजीजेज आर अ हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज बाय बाइलेटरल ऑफन पैची पल्मोनरी फाइब्रोसिस मेनली अफेक्टिंग द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। सो दैट इज काइंड ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द डिजीज के ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर में ऑब्वियसली देर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर में देर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉर्मल एल्वियोलर फंक्शन बिकॉज उसमें कोई ना कोई फाइब्रोसिस होती है एल्वियोलाई के वॉल में। और जब ज़ाहिर फाइब्रोसिस होगी तो कंप्लायंस का इशू आएगा, इनकी एक्सपेंशन का इशू आएगा एंड दैट विल ऑल लीड टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी फंक्शन। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। मैनी ऑफ दी एंटिटीज इन दिस ग्रुप आर ऑफ अननोन कॉज एंड पैथोजेनेसिस। हम बार बार ये वर्ड इस पर देखेंगे, इडियोपैथिक। सो इडियोपैथिक बेसिकली मीन्स कि हमें उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि वाई इज द डिजीज हैपनिंग। ओके, सम हैव इंट्रा एल्वुलर एंड एन इंटरस्टिशियल कॉम्पोनेंट, यानी एल्वुलाई डैमेज होंगे या इंटरस्टिशियम में कोई ना कोई डैमेजिंग पैथोलॉजिक फीचर होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे। क्रॉनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन क्लिनिको पैथोलॉजिकल फीचर्स एंड वेरी कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजी। वी विल टॉक अबाउट दिस इन अ मिनट, अभी हम इस टेबल की बात करते हैं थोड़ी देर में। However, it must be acknowledged that there is frequent overlap in the histologic features of various chronic disorders. The shared histologic features and similarity in the clinical signs, symptoms and radiographic alterations and the pathophysiological changes justify their consideration as a group. Now, ये जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स, तो इट्स बेसिकली अ लार्जर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ये कोई एक सिंगल डिजीज़ नहीं है ऑब्वियसली। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की जब हमने बात की थी तो उसमें चार डिसऑर्डर्स थे, एम्फाइसीमा था, ब्रोंकियोएक्टेसिस, एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ऐसे ही रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स भी जो हैं, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर और कोई एक सिंगल डिजीज़ नहीं है ऑब्वियसली। और ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ओवरलैपिंग भी हैं, यानी इसमें लंग इंटरस्टिशियम के इशूज़ एंड there are so many things which are overlapping. तो काफ़ी सारे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स इनके आपस में मिलते जुलते हैं, सो द जस्टिफाई बींग इन अ ग्रुप। द हॉलमार्क ऑफ द डिजीज इज रिड्यूस्ड अब ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मैं इसको लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर की जब भी बात होगी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें एक्चुअली होता क्या है। सो देर आर स्टिफ लंग्स, यानी लंग्स की कंप्लायंस खत्म हो जाती है। आपको पता है लंग्स आर लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच कैन एक्सपेंड, बलून लाइक स्ट्रक्चर रादर, जिसमें जब एयर आती है तो ये एक्सपेंड करते हैं, जब एयर निकलती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ दिस चेंज इन साइज, यू नो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये सारा जो मामला है, ऑल दिस इज बेस्ड ऑन द कंप्लायंस ऑफ द लंग। इसके लिए नॉर्मल एल्वुलर वॉल का होना जरूरी है, नॉर्मल इलास्टिक वॉल का होना जरूरी है। एंड जब तक वो नॉर्मल इलास्टिक वॉल्स हैं, जब तक लंग्स में नॉर्मल टिश्यूज मौजूद हैं, लंग्स की कंप्लायंस ठीक ठाक होगी। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में जब फाइब्रोसिस होती है या कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्वेट करते हैं और रिस्ट्रिक्शन होती है मूवमेंट की, देर इज इशू विद द कंप्लायंस और लंग्स फिर हो जाते हैं स्टिफ। सो दिस इज नंबर वन हॉलमार्क ऑफ द डिजीज। सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट हॉलमार्क विच यू हैव टू रिमेंबर इज द स्टिफ लंग, नंबर वन। नाउ स्टिफ लंग्स की वजह से ऑब्वियसली पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, दिस इज सेकेंड हॉलमार्क विच इज डिस्निया। फर्दर मोर डैमेज टू द एल्वियोलर एपिथेलियम एंड इंटरस्टिशियल वास्कुलेचर प्रोड्यूसेस abnormal you know abnormalities in the ventilation perfusion ratios because proper ventilation nahi ho rahi, to jo blood vessel hai usme proper oxygen absorb nahi ho rahi, so there is a mismatch in the ventilation and perfusion. Furthermore, damaged ye baat ho gayi, so this is third hallmark. Then chunki ventilation aur perfusion mein mismatch hai, ventilation perfusion mismatch, so that will lead to reduced oxygen entry into the blood which is what we call hypoxia. To ye char cheeze aapne lazmi yaad rakhni hai ki
स्टिफ लंग्स हैं। स्टिफ लंग्स इसलिए हैं क्योंकि एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई है, दैट लीड्स टू डिस्निया, देर इज वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच एंड दैट लीड्स टू हाइपोक्सिया। अगर चेस्ट एक्सरे पर देखें, सो द चेस्ट रेडियोग्राफ शो स्मॉल नॉड्यूल्स, इररेगुलर लाइंस और ग्राउंड ग्लास शेडोज। ये जो स्मॉल नॉड्यूल्स दिखते हैं, ये दे एक्चुअली लुक लाइक ग्राउंड ग्लास अपियरेंस ऑन द रेडियोग्राफ। एंड विद प्रोग्रेशन, अगर डिजीज एडवांस होती है, पेशेंट्स में डेवलप रेस्पिरेटरी फेलियर। ऑब्वियसली अगर लंग टिश्यू फाइब्रोज हो रहा है, सो यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द लंग मास, सो देयर मे बी रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कोर पल्मोनरी। जब कभी लंग में फेलियर होगा या लंग के स्ट्रक्चर में डैमेज होगा, सो एसोसिएटेड राइट हार्ट फेल होगा, विच इज वॉट वी कॉल कोर पल्मोनरी। When advanced, the etiology of the underlying disease may be difficult to determine because they all result in diffuse scarring and gross destruction of the lung, referred to as the end stage or honeycomb disease. So this is the end stage disease. End stage, जैसे renal failure होता है, ऐसे end stage restrictive disorder है. Point ये है कि restrictive disorders are a group of disorders जिसमें lung parenchyma, lung alveoli, lung elasticity is lost, जिसकी वजह से lungs become stiff. The patients have dyspnea, they have ventilation perfusion mismatch, there is hypoxia, and it can lead to respiratory failure and cor pulmonale. Okay, so ye to tha introductory verdict about restrictive disorder. Ab aapko main ye bata dun ki restrictive disorder mein kai categories hain. So there is a category which is called fibrosing restrictive disorders, then there are granulomatous, then there are eosinophilic and smoking related. Now obviously, as the name indicate, जो fibrosing category है उसमें fibrosis will be the typical main feature. जो granulomatous category है restrictive disorders की, उसमें there will be granuloma formation. Eosinophilic category में obviously there will be heavy eosinophilic infiltration and similarly this will be related to smoking predominantly. अब हम करेंगे ये कि आप देख रहे हो ना कि fibrosing category में there are then further different classes. पहले का नाम है idiopathic pulmonary fibrosis. Then there are obviously pneumoconiosis. Then there are drugs and radiation associated fibrosis. फिर granulomatous category start करेंगे. अब हर एक topic पे एक अलग probably video बन रही होगी, because they are all very important. Exam में ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं. And they are also very confusing as well. मैं आपको बताऊँ कि जो obstructive disorders हैं ना, they are pretty much straightforward. आप बिल्कुल easily pick कर लेते हो कि patient को COPD है, patient को asthma है, patient को bronchiectasis है, easy उसमें pointers मौजूद हैं. लेकिन restrictive disorders के ना features काफ़ी overlapping हैं, तो it is very important कि हम हर video को अलग अलग से time दें, अच्छे से समझें कि idiopathic pulmonary fibrosis exam में अगर आता है तो वह हमें किस तरह pick करना है. So each and every topic will be then discussed in a different video. So next for example जो मेरी video होगी, that will be based on the fibrosing category हम start करेंगे. ये table आपने याद रखना है, the first category of restrictive disorder, और इस fibrosing category में IPF is the first one that we will start, and then we will continue for pneumoconiosis and so on and so forth. So this was the introduction to restrictive disorders today. Phir milte hain agli video mein bahut jald. Apna khayal rakhiyega.